हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे वर्ल्ड कप 2024 का मुकाबला नंबर 91। मुकाबला नंबर 51 जो है वो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का बीच। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का बीच जो मुकाबला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार 8 बजे शाम को, यानी आज ही शाम को 8 बजे ये मुकाबला खेला जाएगा। और फर्स्ट प्राइज कितना है चलिए इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, साथ ही साथ यूनिक प्लेयर के बारे में बताऊंगा, कौन सा बैट्समैन है जो अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है, कौन सा बॉलर है जो डर्म कार्ड यूनिक होगा, और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए कौन सा अच्छे खासे प्रदर्शन कर सकता है। करेक्ट टीम पर क्लिक करते हैं। करेक्ट टीम पर क्लिक करने के बाद देखिए विकेट कीपर सेक्शन से इम्पोर्टेंट विकेट कीपर के रूम में ऋषभ पंत रहेगा। ऋषभ पंत जो है वो अच्छे खासे विकेट कीपर है, कभी अच्छे स्कोर करेगा, कभी लो स्कोर करेगा, कभी नहीं करेगा। अब मेथब वो ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है, अच्छे खासे डर्म कार्ड यूनिक होगा, अच्छे खासे नीचे उतरता है लेकिन ठीक ठाक प्रदर्शन करता है। अब देखिए टॉस होने के बाद देखिए रात जो आज ही सुबह वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका का बीच जो मुकाबला था उसमें लाइनअप में किसी टी स्वामी का नहीं था, वह 3 विकेट लेकर गया है। और निकलस पुरन को अच्छे लाइनअप में नहीं था, के मिश्रा को लाइनअप में नहीं था, वो अच्छे खासे रन मार कर गया है। इसीलिए मैं वर्ल्ड टू ऑल प्लेयर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि लाइनअप होने के बाद बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज कर दिया जाता है। अगर आप लोग को ये जानकारी रहेगा तो आप लोग एक अच्छा खासा टीम क्रिएट कर सकता है। मैं डेमो के लिए वो प्लेयर का लाइनअप में जिनका नाम शामिल रहता है उन प्लेयर के बारे में बताता हूँ और उन्हीं को टीम में शामिल करता हूँ। जब टॉस होता है टॉस के बाद न्यू प्लेयर जिन्हें एडवांस प्लेयर के बारे में बताता हूँ उस प्लेयर को मैं शामिल करता हूँ। अब आते हैं इन्हें मेथब वर्ड। अब जॉस इंग्लिश भाई, अगर ऋषभ पंत और मेथब वर्ड जॉस इंग्लिश खेलेगा तो मेथब वर्ड को ड्रॉप कर जॉस इंग्लिश को अपने टीम में जरूर शामिल कीजिएगा, रिकॉर्ड लाजवाब है। इन 3 विकेटकीपर का लाजवाब प्रदर्शन करतेगा, लाजवाब रिकॉर्ड है। इन तीनों में से किसी विकेटकीपर को एक को ट्राई कर सकते हैं या 2 ट्राई कर सकते हैं। सेव लेना चाहते हैं तो ऋषभ पंत और थोड़ा रिक्सेबल लेना चाहते हैं तो मेथब वर्ड की जगह जॉस इंग्लिश होगा, क्योंकि मेथब वर्ड को 6 से 7 नंबर में लाइनअप में नाम शामिल दिया जाता है। और टॉस होने के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा बैट्समैन कितने नंबर में बैटिंग करने आएगा, कौन सा बैट्समैन कितने नंबर में बॉलिंग करने आएगा। अब आते हैं बैट्समैन में। बैट्समैन में आने से पहले मैं आप लोगों को पिच रिपोर्ट बता देते हैं। पिच रिपोर्ट जो है बैटिंग पिच है, गुड फॉर पेसर है, यहाँ पर एवरेज स्कोर 158 है। वेन्यू डा ग्रैंड सेमियर नेशनल क्रिकेट स्टेडियम लेस्टे में खेला जाएगा। और यहाँ से देखिए ये जो मुकाबला होगा वो वेस्ट इंडीज में खेला जाता। अब बात कर लेते हैं टी हेडी भाई। टी हेडी रिकॉर्ड तो ठीक ठाक है लेकिन इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है रिसेंट के मैच, और रिसेंट के फॉर्म नहीं खेले हैं T20 मतलब ICC वर्ल्ड कप नहीं खेले हैं, लेकिन इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे हैं। ODI में अच्छा परफॉर्म था, T20 में अच्छा था, रिसेंट के मैच में लाजवाब प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए बैटिंग पिच है तो बैट्समैन की दृष्टि से लाजवाब प्रदर्शन करता है, और पार्ट टाइम पूरे बॉलिंग करने का भी कभी काल इन्हें मौका दिया जाता है। जब बॉलर को ज़्यादा विकेटाई लगता है तब इन्हें बॉलिंग करने का मौका मिलता है, जिसके कारण ये अच्छा खासा स्कोर कर सकता है, अच्छा खासा रन बना सकता है। अब सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव हेड टू हेड मुकाबले काफ़ी खेले हैं, 5 मुकाबले खेले हैं। 5 मुकाबले में से सूर्य कुमार यादव 3 मुकाबले में अर्धशतक लगाए हैं इस टीम के खिलाफ। आज के टीम के सूर्य कुमार यादव अच्छे खासे पिक रहने वाले हैं। अब वर्नल देखिए रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, वर्नल का ठीक ठाक प्रदर्शन कर सकता है लेकिन खास प्रदर्शन नहीं है। वर्नल रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, इस टीम के खिलाफ खेले नहीं। विराट कोहली इस टीम के खिलाफ खेले हैं, 1 मुकाबले में शतक लगाए हैं, बाकी में फ्लॉप्स रहे हैं। एक बात आप लोग जरूर जानिएगा, रिसेंट के फॉर्म बुरी चल रहा है लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। रोहित शर्मा का भी हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं, रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है, उतना अच्छे नहीं है, 2 स्कोर में अच्छे खासा प्रदर्शन किया है। अब मैक्सन मार्श ठीक ठाक प्रदर्शन करता है लेकिन अगले डर्म कार्ड यूनिक होगा, इनका बैटिंग ऑर्डर 3 नंबर में है, बॉलिंग तो नहीं कराया जा रहा है, खास डर्म कार्ड यूनिक प्लेयर हो सकता है, ये अच्छे स्कोर कर सकता है।
अब यहाँ पर देखिए इन छः बैट्समैन में से आप लोग किसी बैट्समैन को आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई और कोई दुराई की बात नहीं है। अब ये छः बैट्समैन में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट जो है टी वेडन अच्छा खासा प्रदर्शन करेगा, अच्छा खासा रिकॉर्ड होगा। अब ये सात बैट्समैन है, सात बैट्समैन में से किसी बैट्समैन को ट्राई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सातों का रिकॉर्ड अच्छा है, किसी को रिशन का अच्छा है, किसी को हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, किसी को रिशन का रिकॉर्ड है, ग्राउंड पर तो कोई खेला नहीं है रिशन के मैच, इसलिए सब सात में से किसी को ट्राई कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए डेमो के लिए टीम क्रिएट कर दूंगा और जिनका लाइनअप में नाम शामिल नहीं रहेगा मैं वैसे प्लेयर को चूज कर लेता हूँ। अब देखिए अगर आप लोग को एक बार मेरे वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लिया करें। अब बात कर लेते हैं दोनों टीम के तुलना में इस ग्राउंड पर कितने मुकाबले हुए हैं। इस ग्राउंड पर करीबन 40 मुकाबले खेले गए हैं, 40 मुकाबले में से 18 जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाले जीते हैं, 22 जो है बैटिंग सेकेंड करने वाले जीते हैं यानी चेस्ट किए हैं। दोनों इनिंग में बैटिंग फर्स्ट करना और बैटिंग सेकेंड करना दोनों इनिंग में अच्छे स्कोर बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एम एस्टोनिस को, एम एस्टोनिस का रिकॉर्ड रिसन के काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है और ना तो हेड टू हेड रिकॉर्ड है, हेड टू हेड नहीं है, रिसन का अच्छे हैं। हार्दिक पांड्या का रिसन के मैच में लाजवाब प्रदर्शन करता है, हेड टू हेड ये भी नहीं खेले हैं। ग्रेन मैक्सवेल की बात करते हैं, ग्रेन मैक्सवेल हेड टू हेड खेले हैं और शतक लगाए हैं, एक मेल में दूसरे में शतक लगाए हैं। स्पिनर है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर सकता है पूरे चार ओवर। अब देखिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देते हैं दोनों टीम कुल मिलाकर हेड टू हेड मुकाबले 30 खेले हैं, 30 मुकाबले में से 11 मुकाबले जो है बैटिंग, 11 मुकाबले जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, 19 मुकाबले जो है वो इंडिया जीते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिया है क्योंकि इंडिया का प्लेयर का फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है और कुछ बैट्समैन है ज़बरदस्त है जो इंडिया के खिलाफ करता है। अब बात कर लेते हैं अक्षर पटेल, अक्षर पटेल को ज़्यादा तो प्रदर्शन नहीं, डर्म कार्ड यूनिक होगा और जब जब इस टीम के खिलाफ मैच हुआ है तो ये स्पिनर का बहुत बोलबाला रहा है, अक्षर पटेल हमेशा विकेट लिया है। रवि बिश्नोई इस टीम के खिलाफ, रवि बिश्नोई खेलने का नहीं, रविंद्र जडेजा का अच्छा खासा पिक रहने वाला है क्योंकि स्पिनर जो है इस टीम के खिलाफ ज़्यादा प्रदर्शन करता है। अब शिवम दुबे डर्म कार्ड यूनिक होगा, थोड़ा नीचे आता है तो जब आप लोग को ग्रैंड लेग का रिक्स टीम बनाते हो तो रिक्स तो आपको लेना होगा, जब तक रिक्स नहीं लीजिएगा तब तक आपको इंट्री फीस ही वापस आता रहेगा। अगर रिक्स लेते हैं तो आपको इंट्री फीस की अपेक्षा 10% 20% प्रॉफिट हो सकता है। अब यहाँ पर 6 ओलंडर है, ये 6 ओलंडर में से किसी ओलंडर को ट्राई कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूनिक मैं डेमो के लिए टीम क्रिएट करके तो बता देंगे। अब आते हैं बॉलर सेक्शन में, बॉलर सेक्शन में एडम जंपा का रिसन के मैच अच्छे चल रहा है लेकिन इस टीम के खिलाफ खेले नहीं है। जसप्रीत बुमराह का रिसन के फॉर्म अच्छे हैं, पी कमिंस का अच्छा रिकॉर्ड है, एम एस्टोनिस डर्म कार्ड यूनिक होगा, सिलेक्शन परसेंट लो है, लाइनअप में अभी नाम शामिल नहीं है, जे होल्ड अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है, हरदीप सिंह का रिसेंट फॉर्म लाजवाब है। अब यहाँ पर स्वयं सूरज खेला नहीं है, निथल्स खेले हैं इस टीम के खिलाफ एक मुकाबले में 3 विकेट निकाले हैं लेकिन इन्हें पिटाई काफ़ी हुआ है। आज के मैच में कुलदीप यादव डर्म कार्ड यूनिक होने वाला है और ए एग्री अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए मैं फिलहाल के लिए बैटिंग पिच है फिर भी मैं कुछ बॉलर को लूँगा जो अच्छे खासे प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर सबसे पहले मेरा इम्पोर्टेंट बॉलर के रूप में रहेगा हरदीप सिंह और दूसरा कुलदीप यादव, तीसरा एडम जंपा। मैं 3 बॉलर लिया हूँ, 3 बॉलर लेने के बाद अब आते हैं ओलंडर सेक्शन में, अक्षर पटेल, ग्रेन मैक्सवेल, हार्दिक पांड्या को लूँगा, एम एस्टोनिस को लूँगा क्योंकि इन चारों का रिकॉर्ड अच्छे खासे हैं। अब यहाँ पर बैट्समैन में सूर्य कुमार यादव को, टी हेड को लूँगा और यहाँ पर विराट कोहली को लिया हूँ। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं विकेट कीपर सेक्शन में, जॉस इंग्लिश को लूँगा क्योंकि जॉस इंग्लिश का सिलेक्शन परसेंट लो है, अगर खेलेगा तो मैं जॉस इंग्लिश को ट्राई कर ले देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं एक विकेट कीपर यूनिक लिया हूँ जिसे आप लोग रिक्स कहते हैं
और तीन बैट्समैन लिया हूँ, तीन बैट्समैन सेव लिया हूँ। अगर ये अच्छे खासे हैं इस टीम के खिलाफ, रिसेंट के फॉर्म अच्छे हैं, बुरी है। अब वर्नल का रिसेंट के फॉर्म ठीक ठाक है। यहाँ पर देखिए पंच चौकस कम्बिनेशन, तीन बैट्समैन लिया हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन में चार ऑलराउंडर लिया हूँ और तीन बॉलर लिया हूँ। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखिए अब आ जाता है कैप्टन और वाइस कैप्टन पर। देखिए मेरे दोस्त, बैटिंग पिच है, कैप्टन जो है थोड़ा रिक्सेबल, अगर आप लोग कैप्टन देना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेन मैक्सवेल अच्छा कैप्टन हो सकता है। आज का मैच में मैं ग्रेन मैक्सवेल को कैप्टन देता हूँ और वाइस कैप्टन के रूप में सूर्या कुमार यादव को मैं दे रहा हूँ वाइस कैप्टन। अब मैं सेव टीम करता हूँ। सेव टीम करने के बाद देखिए मेरा टीम का परव्यू किस तरह से रहता है। फिलहाल के लिए मेरा टीम का परव्यू अभी इस तरह से रहेगा, इस तरह से मेरा टीम का परव्यू रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।